बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद दानिश पीर और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं मकई के खेत में, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि मकई को जो मेडिसन है, दवाई है, वो किस तरह डाली जाती है और ये कौन सी होती है और ये हाथों से ही क्यों डाली जाती है, कौन क्या नाम है इसका, कौन सी मकई को मसला हो तो ये जो मेडिसन है वो डाली जाती है। सबसे पहले आपको दिखाते चलें कि ये मेडिसन है, दवाई जिसे कहते हैं हम, कीड़े मार जहर सिर्फ ज़रई इस्तेमाल के लिए, ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि ये मेडिसन किस तरह डाली जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये है मकई का जो है पौधा, ये जो ऊपर इसका मुंह होता है इसके अंदर ये दवाई डाली जाती है। ये गौर से देखें जी, इस जगह से दवाई डालकर सिर्फ फेंक देते हैं इसके अंदर तकरीबन एक चुटकी के बराबर। तो यहाँ पर जो भाई डाल रहे हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे कि ये क्यों डाली जाती है और कितने अरसे के बाद डाली जाती है। जितना ये आप देख सकते हैं कि मकई के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर ये दवाई डाली जाती है। ये भाई हमारे जो हैं जिन्होंने ये मकई लगाई हुई है, ये यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ुद अपने हाथों से मेहनत कर कर ये जो मेडिसिन है ये मकई को डाल रहे हैं। ये अंकल जी भी मौजूद हैं तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये क्यों डाली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अंकल जी हमें बताइएगा कि ये क्यों डाली जाती है? ये कीड़े मकोड़े की दवाई है। तो क्या नाम क्या है इसका? इसका नाम है दानेदार। दानेदार, ठीक हो गया। तो ये कब मकई छोटी हो तब भी डाल देते हैं, बड़ी हो कितने अरसे के बाद ये डाली जाती है? तकरीबन एक माह के बाद। हर एक माह के बाद डाली जाती है? हाँ जी, दो दफ़ा डाली जाती है। तो अगर ना डालें तो इसका क्या नुकसान होता है? मक्की की फसल नहीं होती, नुकसान हो जाता है, कीड़ा लग जाता है। ठीक, तो कोई छली वगैरह को भी नुकसान होता है उसका? छली जब पौधा ही नहीं होगा तो छली कहाँ पे आएगी। ठीक, तो ये जो मकई की फसल है ये तकरीबन कितनी देर में ये तैयार हो जाती है? तकरीबन 90 दिन में। 90 दिन यानी 3 माह में तैयार होती है और 3 माह के लिए आप 3 दफ़ा इसको ये दवाई डालना लाजमी है? 2 दफ़ा दवाई डालेंगे छोटी, पहले जब इसकी कुंबल नहीं होती है उसको स्प्रे किया जाता है। ठीक, ये छली लगने के बाद डाली जाती है या छली लगने से पहले? पहले पहले, उसके बाद नहीं डालते? पहले नहीं, बाद में नहीं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आपने अंकल जी की गुफ्तगू सुनी, ये आप देख सकते हैं वो भाई एक जा रहे हैं जो दवाई डाल रहे हैं जी। आपको क्लोज कर कर भी मैं दिखा देता हूँ कि ये है जी दवाई, डाल कर दिखाएं अंकल जी। ये तकरीबन एक चुटकी 4-5 पौधों में जो है डाली जाती है कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, ताकि पौधा जो है वो फ्रेश रहे, सेहतमंद रहे, जिसके लिए हमें जो छली हासिल होती है मकई की वो भी ज़रा अच्छी वाली हासिल हो। तो ये अंकल जी के बताने के मुताबिक ये तकरीबन 2 दफ़ा डाली जाती है, 90 दिन में मकई तैयार हो जाती है। 90 दिन में दो माह ये मकई को जो है दवाई डाली जाती है और जो 1 दफ़ा है वो स्प्रे की जाती है। और आपको बताते चलें कि ये छली लगने से यानी दाना लगने से पहले पहले ये दवाई डाली जाती है। ये देखें जी, ये अंकल जी और वो सामने भाई डाल रहे हैं। इनका जो असल नाम था दवाई का वो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, बाकी जो ज़िम्मेदार हमारे भाई होते हैं गांव के लोग वो अपनी ज़ुबान में इन्हें इसे दानेदार कह बोलते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताते चले कि ये देखें जी, ये है, ये वाली दवाई है जी, वल्टा को 0.6 GR, कीड़े मार जहर सिर्फ ज़रिए इस्तेमाल के लिए, जैसा कि अंकल ने बताया कि कीड़ों से बचने के लिए ये दवाई है जो इस्तेमाल की जाती है। बाकी इसका जो सामान है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है और साथ में एहतियाती तदाबीर भी लिखी हुई है कि ये एक जहर है, एहतियात से इस्तेमाल करें। और आपको भी बताते चलें कि हमेशा इस तरह की चीज़ जो होती है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखा करें, क्योंकि हमारी 1 मिनट की लापरवाही हमें पूरी ज़िंदगी के लिए परेशान कर देती है। तो ये जो मकई है जी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी अल्लाह ताला की कुदरत है। इसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ऊपर से बिल्कुल लेवल होती है, ये देखें एक जैसी होती है तकरीबन।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।